अहमदाबाद प्रखंड के बीएफसीसी गोदाम में जन वितरण विक्रेता और उनके दुकान तक चावल गेहूं इत्यादि लोड और अनलोड का काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा विगत 6 महीने से मजदूरी नहीं मिलने की बात सामने आई है। मैं शेखर कुमार अरोड़ा, मैं एफसीआई गोदाम अहमदाबाद में काम करता हूं। 6 महीना से ठेकेदार हम लोग को वेतन नहीं दिया है। विगत 6 महीने से मजदूरी नहीं मिलने की वजह से उनकी बकाया राशि लगभग 8 लाख रुपए तक चली गई है। इस मामले में मजदूरों का कहना है कि जब भी ठेकेदार श्याम सुंदर शर्मा से पैसा मांगा जाता है तो वह बार बार अलग अलग तरह के बहाने बनाकर उनको टाल देता है, जिसको लेकर मजदूरों के सरदार किशन कुमार रजक ने विधान पार्षद अशोक अग्रवाल को लिखित शिकायत की है और वेतनमान भुगतान की मांग की है। मजदूरों के सरदार किशन कुमार रजक बताते हैं कि मजदूरों का पैसा उनके ठेकेदार को विभाग के द्वारा मिल चुका है, इसके बावजूद अब तक उसने मजदूरों को पैसा नहीं दिया। पूरा मामला ये है कि हम अहमदाबाद गोदाम में काम करते हैं, सरदार के पद में है, मेरे अंडर में 20 लेबर काम करता है और अहमदाबाद गोदाम का जो ठेकेदार जो है श्याम सुंदर शर्मा है। पिछलका बकाया हम लोग का 6 महीना से वेतन नहीं मिला, जो कि लगभग पैसा हम लोग का 8 लाख कुछ रुपया है और पैसा नहीं दे रहा है वो। इस मामले को लेकर मजदूरों ने कई बार उच्च अधिकारियों से ठेकेदार के खिलाफ शिकायत भी की है, लेकिन फिर भी ठेकेदार श्याम सुंदर शर्मा मजदूरों को पैसा देने के लिए मान ही नहीं रहा है, जिसको लेकर करीब 20 मजदूर ऐसे हैं जिनके सामने भोजन की दिक्कत आन पड़ी है। इधर मजदूर एक बार फिर उच्च पदाधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि उनके काम का पैसा उन्हें दिलवाया जाए और 6 महीने से नहीं मिलने वाले वेतनमान को दिलवाने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठाए, ताकि मजदूरी कर चुके मजदूरों के बच्चे और परिवार समय से 2 जून की रोटी खा सके। बंटी प्रसाद, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।